श्रीनगर थाने में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक संपन्न। असामाजिक तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। थाना शक्तिनगर में आगामी लोकसभा चुनाव एवं पूर्वांचल की शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर प्रांगण में चैत्र नवरात्रि पर लगने वाले परंपरागत पाक्षिक मेले में मद्देनजर आचरण संहिता व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शक्तिनगर थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने असामाजिक तत्वों व मादक पदार्थों के विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, वहीं क्षेत्र में अपराध भी बढ़ता जा रहा है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले के कई थानों में दर्जनों लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। वहीं यह अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित लोगों से क्षेत्र में एवं उनके समस्याओं से रूबरू होते हुए एनसीएल परियोजना के असुरक्षित ओवी सड़क सुरक्षा, मेले में अग्निशमन आदि अन्य कई विषयों पर चर्चा की। विगत दिनों पीडब्ल्यूडी मोड़ पर जली 7 दुकानों के पीड़ितों ने भी अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवारों को यथासंभव सहयोग दिलाने का आश्वासन देते हुए आदर्श आचार संहिता का सभी से पालन करने तथा मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, सीओ पिपरी ज्ञान प्रकाश राय उपस्थित रहे। थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बैठक का संचालन किया। बैठक में बीना चौकी प्रभारी सहित अन्य कई पुलिसकर्मी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये हम सब लोग जानते हैं, तो हमारा नंबर वन प्रायोरिटी रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेन करें। और अन्य अपराध भी है, जैसे शराब संबंधी भी कोई जानकारी सूचना है, वैसे इसके अलावा जहाँ तक मैंने यहाँ से जानकारी ली, वन प्रायोरिटी पर रखें कि MBBS के मामले, अन्य चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको टारगेट नहीं करना है, मगर पीड़ा यहाँ के लोगों को MBBS की वजह से इसी से दूसरे क्राइम बढ़ते हैं, जिसको नशे की आदत होती है उसको इतना